जी तो मौलाना साहब आज बिलाखर आईनी तरमीम सेनेट से पास हो गई और मौलाना साहब आप कौमी असम्बली के सेशन में जी मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम जी तरमीम मंजूर कराने के लिए आए हैं इंशाल्लाह। अच्छा इमरान खान की खुशामद करके आपको क्या महसूस हो रहा था? क्यों कर रहे हैं आपने ये कहा आप जनाब आप आपने कहा आप जनाब आपने कहा आप जनाब सॉरी मौलाना साहब आपके मुसब्बदे के ऊपर तरमीम का प्रोसेस शुरू हो चुका है क्या कहेंगे? धक्के तो ना दो प्लीज। हम सही जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल कर चुके हैं। जिस तरह का पहला मसौदा था जो आपने देखा था अब आज जो आखिरी मसौदा पास हुआ है आसमान और ज़मीन का फर्क आप उसमें महसूस करेंगे और एक महीने की जद्दोजहद का नतीजा है। बताइएगा आपको पता चलेगा कि तरमीम रैली की वजूहत क्या थी? तरमीम रैली की वजूहत जो भी हुई साहब जवाब सवाल पूछा तो क्या कहते हैं मुझे मैं वो डिपार्टमेंट बात हूँ नहीं क्या आपको धक्के मारेंगे? जी साले जाफर जो है उन्होंने जो कि नून लीग के बड़े करीबी साथी हैं साले जाफर आप जंग में उनका पढ़ते रहते हैं उन्होंने मौलाना से कहा कि आपको इमरान खान की खुशामद करके क्या मिला? तो मौलाना ने बड़ा गुस्से से उन्हें कहा कि आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। फिर उनको मौलाना फजल रहमान के हमरा उनका स्क्वाड था उन्होंने उनको पीछे हटा दिया। बहरहाल ये अभी मौलाना फजल रहमान को नून लीग के जो करीबी साफ़ी हैं साले जाफर साहब उन्होंने साले जाफर साहब ने बड़ा खतरनाक सवाल पूछा जी और मौलाना साहब ने उनकी अच्छी खासी बेइज्जती की आपने देखा बिल्कुल धक्के भी पड़े हमको देखे ना ये और जब साफी का काम है वैसे ये सवाल करना साफी किधर है वो तो दरबारी है वो आपको ये शायद गलत फहमी हुई है वो कब साफी रहे हैं वो तो हमेशा शाहों के कसीदे लिखने वाले लोगों में और साफियों में तो फर्क होता है। साफी तो सवाल करता है वो सवाल था आपके सामने वो तो बोझ था उनका जो उन्होंने अंदर से निकाला है और क्योंकि वो एक जमात के कारकुन के तौर पे काम उनको किसी ने भेजा होगा वैसे क्या समझते नहीं वो इधर ही फिरते बड़ी देर से वेट कर रहे थे। हाँ हो सकता है क्योंकि उन्होंने बड़ा बदतमीजी से देखें मौलाना साहब आप बिल्कुल सवाल करें लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने उनको खातब किया इंसल्टिंग था और उन्होंने कहा भी कि डोंट इंसल्ट जी। तो ये बड़ा एक ना खुशगवार सा वाक़या आज देखने को मिला जब मौलाना फजल रहमान असम्बली में आए तो उनसे साले जाफर साहब ने कहा कि जी आपको इमरान खान की खुशामद करके क्या मिला? तो मौलाना ने कहा जी आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? हालांकि ये मौलाना फजल रहमान से करने वाला सवाल नहीं था ये बहुत करीबी साफ़ी हैं जी नून लीग के जंग में लिखते हैं बड़ी तरीफ़ों के पुल बांधते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की और बाकी जो नून लीग की क़यादत है उनका ये अब तक की सूरत हाल थी। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो कौमी असम्बली पहुँच चुके हैं।